ओके बिक्सू आ चुका है एक और बार माइनक्राफ्ट के बिल्ड हैक्स लेके, और वो भी एकदम मस्त मस्त, एकदम अमेजिंग अमेजिंग। यस, बिक्सू सबको बॉब द बिल्डर बना देगा अपनी तरह ही। बट एटलीस्ट तुम मेरी वीडियो से चीजें सीख सीख के अपने दोस्तों पे फ्लैक्स तो कर सकते हो। तुम अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि ये देख मैंने क्या बनाया। तू कभी जिंदगी में नहीं बना सकेगा ये। हानी तो यस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को एंड देखते हैं कौन से बिल्ड हैक्स हैं अमेजिंग अमेजिंग। और हाँ, आज के बिल्ड हैक्स भी होने वाले हमारे प्यारे और जिसका मैं सीईओ हूँ उस वर्जन के, माइनक्राफ्ट 1.20। तो यस, लेट्स गो। ओके, तो आज का जो पहला बिल्ड हैक है वो तुमने पुराने वाले बिल्ड हैक वाली वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, वो जो एक बुक शेल्फ के ऊपर बुक रखी हुई थी ऐसे। यस, वो मैंने उस वीडियो में नहीं रखा था, मैंने इस वीडियो के लिए बचा के रखा था। हाँ, बहुत चंडू मैं तो। यस, उससे पहले भाई खाली जगह तो मिल जाए, प्ले ग्राउंड दे दो मेरे को खेलना है भाई। कहाँ है यार, पेड़ ही पेड़ है। ओके, थोड़ी सी खाली जगह मिल गई, कोई ना, मैं यहीं पे करूंगा। तो मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे ऐसे तोड़ दूंगा, क्या बात है। एंड देन मैं लूंगा यहाँ पे स्नो एंड इसको लगा देने का है 1, 2, 3 ऐसे, एंड फिर लेने का एक आर्मर स्टैंड और उसके ऊपर अपने आप को लटका दूं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आर्मर स्टैंड को ऐसे, अरे दोस्त, अरे हाँ ऐसे, यस ऐसे लगा दो एंड फिर इसे निहारते रहो। कितना प्यारा है ये, बिल्कुल मेरे जैसा। तुम्हें शर्म है कुछ? एंड आगे तुम्हें चाहिए बुक शेल्फ ले लो एंड इसको लगाने का ऐसे ऐसे, अरे ऊपर ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे, एंड फिर ले लो एक रेडस्टोन का ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन एंड एक पिस्टन लेने का एंड इसको ऐसे लगाने का एंड देन इसको ऐसे और ऐसे अरे नीचे को लग ले। हाँ गुड, एंड इसको ऐसे तोड़ दो एंड देन इधर ऐसे लगाओ। अरे और नीचे क्यों ना हो रहा भाई, अबे कैसा हो गया। ओके, यहाँ पे तुम्हें एक रेडस्टोन लगाना पड़ेगा एंड फिर ऐसे लगाने का एंड ये तोड़ने का एंड इसे भी तोड़ने का एंड यहाँ पे एक टिंगू निकलना चाहिए। ओके, एंड फिर ये सब तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, गंदा बच्चा। एंड तुम्हारा आधा काम यही पे कंप्लीट हो गया है। अब तुम्हें चाहिए एक यहाँ पे स्मिथिंग टेबल, आई गेस, हाँ यही स्मिथिंग टेबल। एंड देन चाहिए एक कैप, नो कैप, यस कैप। एंड फिर तुम्हें चाहिए होगा एक स्मिथिंग टेम्पलेट, कोई भी ले लो जो तुम्हारा मन करे। मैं ये वाला ले रहा हूँ, कोस्ट आर्मर ट्रिम, यस पता नहीं क्यों बट मैंने ले लिया। एंड यहाँ पे इसको ऐसे रख देने का, इसको खोलने का, इसको यहाँ पे लगाने का एंड इसको लगाने का। हेलो, थोड़ी सी गलती हो गई बेटा। रेड डाई लेने का है हाथ में, रेड डाई मेरे पास क्यों नहीं आए, ये रहा रेड डाई, यस। एंड तुम्हें कैप को डाई करने का है, समझ रहे हो ना बिडू, ये रहा, यस। बस हो गया, बस एक आयरन ले लो, आयरन का इंगट वो बहुत जरूरी है, उसके बिना मानता ही नहीं है स्मिथिंग टेबल, लालची कहीं का। एंड ये रखो। ओके, अबे तो ऑलरेडी बुक की तरह लग रहा है। हाँ बहुत पढ़ाकू है ना तू, मत्थे पे बुक रख के बैठ रहा है। इधर दे मेरे को, क्राफ्टिंग अ न्यू लुक। अच्छा, एंड अगर मैंने इसको यहाँ पे लगाया, एयो, ओके, दिस इज लेजिट लुकिंग लाइक अ बुक। तो यस, अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ाकू दिखना है अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, तुम ऐसे बना सकते हो। ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली 1.20 में आया है। यस, मेरे कहने पे माइनक्राफ्ट ने डाला है, शांत रहो। ऑलराइट, अब हम क्या बनाएं, कौन सा बिल्ड है कह रहे। एक सेकंड यार, मुझे जगह चेंज करने दो। अब भाई पेड़ ही पेड़ दे रहा है, मेरे को इतने पेड़ नहीं चाहिए, माइनक्राफ्ट मेरी बात नहीं मानता है। क्या तुम्हें भी किसी का मुंह लग रहा है? ये देखो, ये लिप्स हैं, वो दोनों आईज हैं, ध्यान से देखो। ब्रो, मेरे को क्या क्या चीजें दिख रही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। क्या बनाया जाए? ओके, देखा जाए तो आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है एंड माइनक्राफ्ट में भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे बैठे बैठे मेरे को पसीने आने लग गए, ढंग से कर लेना एक्टिंग। तो गर्मी हो रही बहुत भयंकर, गर्मी में लगती है सबको प्यास। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एंड सबकी प्यास बुझाने के लिए मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक वाटर डिस्पेंसर। यस, वो वाला नहीं जो तुमने पिछली वीडियो में देखा था, उससे तो बहुत ज्यादा बढ़िया है ये। तो इस वाटर डिस्पेंसर के लिए हमें चाहिए होगा एक स्कैफोल्डिंग, एक आइस का ब्लॉक, आई मीन सिर्फ आइस, एंड एक पॉट, फ्लावर पॉट या डेकोरेटेड पॉट, ओके फ्लावर पॉट। एंड देन हमें चाहिए होगा एक Cold, ये मेरे से कभी नहीं लिखा जाता, एक बार में ओके मिल गया। एंड फिर वाटर, ऑब्वियसली भाई वाटर डिस्पेंसर में तुम्हें पानी नहीं मिलेगा तो हवा से पेट भरोगे। एंड तुम्हें चाहिए एक ब्लू, हाँ ये जो भी होता है, स्टेन ग्लास पेन जो भी होता है, वाओ। एंड एक बैम्बू, क्या बैम्बू, क्या बैम्बू फैंस, बेस्ट।
अरे मैं सामान ले रहा था, तुमने रात कर दी। गधेड़ो। By the way guys, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हें कोरियन लैंग्वेज में किसी को प्यार से गुड नीनी बोलना है तो उसे बोलते हैं जल जदा। यस, मैं यहाँ पे फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, पर तुम सोच रहे होगे कि भिक्षु को कोरियन कैसे आती है? हैं, ये कहाँ कब सीख ली भिक्षु ने कोरियन? तो ये पॉसिबल हो पाया डुओलिंगो की वजह से। तो डुओलिंगो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप, जहाँ पे तुम 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हो। एंड यस, तुमने बिल्कुल सही सुना, ये ऐप एकदम फ्री है। तुम लोग इस ऐप को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, लाइक प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, एंड सीख सकते हो ढेर सारी लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन एंड और भी बहुत सारी एकदम मस्त मस्त गेम्स खेल के। जैसे कि ये सामने मेरे एक क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डज दिस मेक? आईला, ये तो ओ है, तो हम राइट थे। एंड चलते हैं नेक्स्ट पे, टैप द मैचिंग पेयर्स, दिस वाज ओ, ये तो गो है, ठीक है, यप राइट, ये आ ओके, ये ओके, ठीक है भाई, डन, हो गया इजी। तो देखा तुम लोगों ने, इतना फन है डुओलिंगो के साथ नई लैंग्वेज सीखना। एंड यही नहीं, डुओलिंगो करता है फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, विच इज स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए। एंड ये ऐप तुम्हें डेली रिमाइंड करवाएगा थ्रू नोटिफिकेशंस, ताकि तुम लर्निंग बिल्कुल भी मिस ना कर सको। तो जाओ जरूर डाउनलोड करना डुओलिंगो ऐप एंड सीखो ढेर सारी लैंग्वेजेस, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार टाइम सेट डे, मेरे को रात नहीं पसंद। अंटिल अनलेस, हाँ, स्कैफोल्डिंग यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे ऐसे आइस लगा दो, यहाँ पे ऐसे कोल्ड ड्रिंक लगा दो, यहाँ पे पानी गिर दो, एंड इसके ऊपर एक प्यार सा फ्लावर पॉट, यस, एंड यहाँ पे लगेगा एक ये, एंड आई होप ये हो जाए। ओके, तो यस, अगर तुम्हें प्यास लग रही है यहाँ पे आके पानी पियो, तपती धूप को बोलो बाय बाय, और वाटर डिस्पेंसर को बोलो हाय हाय। ये देखो मैं पानी भर रहा हूँ, क्या हरकतें करता हूँ ये भाई, मैं सच्ची में उसके अंदर घुस गया, ऐसे लग रहा है मैं पानी भर रहा हूँ, बट पानी तो भरने से रहा। ओके नेक्स्ट बिल्ड हैक, अब सच्ची का पानी कैसे निकालूं भाई मैं? गुड क्वेश्चन, अंतर्यामी नहीं हूँ मैं, माइनक्राफ्ट मेरे हाथों में होता तो मैंने कुछ भी बना दिया होता। नेक्स्ट बिल्ड हैक बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि पानी में डूब जाते हैं कुछ लोग गधे कहीं के। तो यस, पानी को पार करने के लिए हम बनाएंगे एक बैम्बू ब्रिज। अब तुम सोचोगे ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है भिक्षु, है ना, बस बहुत आसान है, देखते जाओ, पहले रुक जाओ, छेद करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मान के चलो ये एक प्यारी सी नदी है एंड तुम्हें इसे पार करना है, बट बिना मरे भाई, तैर भी सकते, बट हाँ हम ब्रिज से करेंगे पार। तो यस, पहले यहाँ पे हम फेंस से ऐसे लगा देंगे, एक दो एंड यस, करते जाओ, गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, यस। एंड अब तुम्हें लेना है एक पॉट, क्योंकि भाई किसी चीज से तो बंधा हुआ है ना तुम्हारा, ये ऐसे लगेगा बिना रस्सी के बंधा हुआ है। अरे कहाँ लग रहे हो, ये भी मेरी गलती है, यस, सारी जगह लगा दो इन्हें, अभी देखना है बहुत प्यारा डिजाइन लगेगा तुम्हें। एंड फिर तुम्हें चाहिए होगी नए वाली राफ्टिंग बोट, बैम्बू राफ्ट आई मीन बोट, मैंने खुद से नाम दे दिए। एंड फिर तुम्हें यहाँ पे स्पॉन कर देने हैं ऐसे, ओके, थोड़ा उल्टा लग गया, सीधा हो जा दोस्त, सीधा, बस, अरे गुड। और फिर यहाँ पे भी एक, ये आगे क्यों भग रहा है, एंड फिर यहाँ पे भी एक, तू भी आगे भग, एंड फिर यहाँ पे भी आगे भगो भगो आगे भगो, यस, यहाँ पे एक स्पॉन, अरे यार इनकी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी, मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा, अरे पीछे हो जा, पीछे हो जा सोनिए, साड़ी राफ्टिंग बोट आई, पीछे हो जा, पीछे पीछे नहीं हो रहा है, तोड़ दो इसे, तोड़ दो, अच्छे से करूंगा मैं राफ्टिंग, गुड गुड, तू आगे चल, साइड हो, तू आगे चल, अरे इतना आगे किसने जाने के लिए बोला भाई, ये तो कितने प्यारे बने हैं, तुम लोगों से नहीं हो रहा क्या है? ओके, काइंड ऑफ बन गई ब्रिज, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा, मतलब तुम कर सकते हो इसे आराम से बैठ के, अगर तुम्हारे पास जिंदगी भर का टाइम है, मेरे पास तो अभी नहीं है, बट यार गाइस कुछ ब्रिज टूटे हुए भी होते हैं ऐसे, तुम टाप टाप के जा सकते हो इसे, टूटे हुए ब्रिज से याद आया मुझे, यस, टूटा हुआ ब्रिज भाई, लेकिन लगेगा बहुत प्यारा, सच बताऊं तो थोड़ा करना पड़ेगा इसे प्रिसाइजली, और मेरे से तो होने से रहा। बाय द वे, टूटे हुए ब्रिज से अगर तुम्हें टूटा हुआ ब्रिज बनाना है तो वो भी बन जाएगा, तुम्हें क्या चाहिए तुम बस बताओ, इस वाले वर्जन में तुम्हें सब मिलेगा, यस। तो तुम्हें हैंगिंग साइन बोर्ड तो पता ही होगा, जो नया वाला आया है माइनक्राफ्ट में, वो लटकने के लिए ही आया ऑब्वियसली, तो अभी हम उससे अच्छे से प्रयोग निकालेंगे उसको लटका के, यस, प्रयोग निकालेंगे क्या, तो मान के चलो तुम्हें यहाँ पे ऐसे टूटा हुआ ब्रिज दिखाना है, ऐसे डरावना लुक देने के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसे यहाँ पे लगा दो, इसे यहाँ पे लगा दो, आई मीन थोड़ा ब्रिज का फील तो देना पड़ेगा ना, एंड फिर तुम लो एक हैंगिंग ओक साइन, हैंगिंग, यस, वेरी वेरी हैंगिंग, एंड इसको यहाँ पे हैंग कर दो। अरे भाई गलत हो गया तू, यस, गुड, वेरी वेरी गुड, मतलब तुम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, अरे सीधा लगला भाई, लग गया, ये भी सीधा लग गया,
ये भी सीधा लग गया। एंड हियर यू गो भाई, टूटा हुआ ब्रिज। तुम मान के चलो अपने किसी नए दोस्त को लेके आए हो एक अपने वर्ल्ड का टूर कराने के लिए, एंड तुम बोलते हो भाई यहाँ से एक ब्रिज है वहां से जाना पड़ेगा, एंड वो गधा आराम से जा रहा है। सन्नेड़ो सन्नेड़ो सन्नेड़ो, तो यस वो यहाँ से गिर के मर जाएगा, एंड वो बोलेगा भाई ये क्या किया तूने, तो तुम बोल सकते हो ये तो टूटा हुआ ब्रिज था, तुझे दिखा नहीं क्या अंधे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, तुम इसी चीज को इस साइड भी बना सकते हो तो ये प्रॉपर टूटा हुआ ब्रिज लगेगा। बट डैम क्रेजी। एंड हैंगिंग वाले से एक और मुझे याद आया बिल्ड हैक, तो तुम्हें शवल तो पता होगा, आई डोंट नो इसमें शवल होता है या नहीं, होता है होता है भिक्षु तू भूलता जा रहा है, याद था मुझे, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो यस ये तुम देख सकते हो ये कैसा लग रहा है हाथ में शवल, ये है शवल है कि चम्मच है भाई, वो टॉयलेट साफ करता जिससे ये वो लग रहा है, सच्ची में मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची में लग रहा है टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश। अगर तुम्हें असली का शवल बनाना है तो बहुत ज्यादा इजी है, पहले एक यहाँ पे हैंगिंग साइन लगाना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा, एंड फिर इसके ऊपर लगाना पड़ेगा एक फेंस, इसे एक्चुअली फेंस पे लटकाना पड़ेगा, एक सेकेंड Yes, like this. And where is के ऊपर लगा दो ए पॉट, एंड ये होता है असली का शवल, इसे कहते हैं शवल। Yes, this is what a shovel should look like in Minecraft. इंसान जितना बड़ा शवल, इतना बड़ा ही होता है, हाथ में लेके चला जाओ नीचे को। ये क्या है ये चम्मच, हट। इसके सामने बच्चा लग रहा, भाई गायब ही हो गया, बच्चा लग रहा है इसके सामने। यस नेक्स्ट बिल्ड हैक, लेट्स गो। तो अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता तो माइनक्राफ्ट में बैम्बूज आ चुके हैं, आई मीन बिक्सु तूने दिखा दिया था, क्या उन्हें कैसे नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हें पता ही होगा माइनक्राफ्ट में कैक्टस भी होते हैं, एंड तुम इस वाले वर्जन में अपना फेक कैक्टस बना सकते हो एक। यस तुम अपने पेट कैमल को बेवकूफ बना सकते हो, उसे लगेगा वो कैक्टस खाने जा रहा है बट वो एक्चुअली में बैम्बू खा लेगा। हाँ क्यों करोगे तुम ऐसा। तो यस इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा बैम बैम ब्लॉक ऑफ बैम्बू, एंड बस तुम इसे ऐसे स्टैकअप करते जाओ, एंड अब तुम इसे जैसा मर्जी डिजाइन दे सकते हो अपने पसंद का। Yes, भाई क्या कभी देखा है तुमने इतना बड़ा कैक्टस, एंड तुम इसको अच्छी फीलिंग देने के लिए साइड में थोड़े बहुत डेड बुश भी लगा सकते हो, भाई कैक्टस को अच्छी फीलिंग है। This is literally looking like a cactus. सामने वाला डर जाएगा, भाई ये कब आए माइनक्राफ्ट में। Damn. ऐसे बहुत सारे फन चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। भाई इस वाले बायोम की वाइब भी कितनी प्यारी है, तुम देख रहे हो ये देखो ये कितना ये इतने बेकार बेकार, बट यहाँ पे देखो उफ यहाँ पे सनलाइट अलग ही पड़ रही है भाई, ये छेद किसने किया यहाँ पे। अच्छा ये चेरी बायोम यहाँ से पाद मारता होगा, ओके सही बात है। और तो माइनक्राफ्ट का एक बहुत ही डेकोरेटिव सा हैक है, एंड ये वाला कसम से बहुत प्यारा है। तो इस वाले हैक से तुम बहुत सारे छोटे छोटे एकदम प्यारे प्यारे पेड़ बना सकते हो अपने घर पे लगाने के लिए। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक पॉट, आई मीन दोनों तरीके के पॉट चाहिए होंगे, एंड फिर तुम अपनी पसंदीदा लीव्स ले लो, जैसे मुझे चेरी वाली लीव्स बहुत पसंद है, मुझे ये वाली भी बहुत पसंद है, एंड देन तुम ले लो कुछ सैपलिंग्स, ओके ये भी बहुत प्यारा है, ये भी ले लेते हैं, ये ठीक है। एंड यप तुम ऐसे ये पॉट कहीं पे भी रखो, एंड इसके बीच में एक फ्लावर पॉट लगा दो, ये लग सकता है यहाँ पे, एंड आगे तुम्हें पता है तुम क्या क्या कर सकते हो भाई साहब। ये देखो तुम ये बस इसके ऊपर लग जाए, ओके दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ छोटा सा प्यारा सा ट्री। तो ये ऐसे तुम छोटे से ट्री तो बना ही सकते हो, एक बार ये चेरी वाला लगा के देखते कैसा लग रहा है। यो दिस इज लुकिंग नाइस, अगर मैं इसे यहाँ पे लगाऊं क्यों, ओह माय गॉड। बट यार तुम ऐसे बहुत तरीके से कुछ ना कुछ प्यारा प्यारा बना सकते हो अपने घर पे लगाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में। ऑलराइट अब क्या बनाया जाए, ओके एक प्यारा सा डाइनिंग टेबल बनाते हैं। यप एंड ये भी बहुत इजी है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए बस तुम्हें चाहिए बैम्बू चेयर्स, आई मीन बैम्बू स्टेयर्स एंड बैम्बू ट्रैप डोर्स, ये वाले बहुत प्यारे, इनका डिजाइन बहुत अच्छा होता है, एंड तुम्हें चेयर को लगाना पड़ेगा यस ऐसे और समथिंग लाइक दिस, एंड फिर तुम यहाँ पे लगा दो ऐसे छह पॉट्स ये वाले मस्त मस्त, एंड देन सेम यहाँ पे भी ऐसे लगा दो, उल्टा उल्टा लगाने का बाबा, एंड फिर तुम्हें ये ट्रैप डोर्स ऐसे यहाँ पे साइड में लगा देने हैं, अरे बीच में नहीं साइड में, यस साइड में, एंड इन्हें ढक दो। क्या प्यारा डिजाइन लग रहा है ये देखो भाई, ये बहुत प्यारा ट्रैप डोर आया सच्ची में। एंड फिर ले लो कुछ येलो कारपेट्स, प्यारे प्यारे येलो कारपेट्स बहुत प्यारे हैं ये, एंड इनको लगा दो ऐसे मस्त मस्त यहाँ पे, एंड यहाँ इसको सजाने के लिए यहाँ पे एक पॉट, एंड तुम ये दो तरीके के फ्लावर्स लगा सकते हो यहाँ पे, बहुत प्यारे लगेंगे, जैसे कि ये वाला ये बहुत प्यारा लग रहा है, एंड ये वाला, एंड हियर यू गो तुम्हारा प्यारा डाइनिंग टेबल जो कि सच्ची में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। आराम से लाओ फैमिली को यहाँ पे खाओ, तुम फैमिली तो खैर नहीं खेलती है माइनक्राफ्ट, बट यार दोस्तों को लाओ, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ इस डाइनिंग टेबल पे। यस बिक्सू के साथ आओ खाना खाओ, रखूंगा मैं किसी दिन दावत रखूंगा माइनक्राफ्ट के अंदर, डोंट वरी सबको बुलाऊंगा। ओके एक बहुत ही फन चीज आई है मेरे दिमाग में, तो यस मैं अभी बनाने जा रहा हूँ वही। तो अब मैं बनाऊंगा अपने आप को,
यस, यानी कि एक बत्तख। यस, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं आई एम अ बत्तख, पार्ट टाइम बत्तख हूँ मैं। एंड बत्तख बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पे ऐसे इसको पानी में, ऑब्वियसली बत्तख रहती है तो पानी में बनाना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि चिजल्ड बुकशेल्फ आंखों की तरह लगता है। तो यस, अभी तुम्हारे साथ बुक। हेलो, अच्छा ओके सॉरी माय बैड, मेरे को लगा भाई गायब हो गया। यस, इसके ऊपर लगा दो ऐसे चिजल्ड बुकशेल्फ। एंड थोड़ी ऑरेंज सी बीक चाहिए हमें इसकी, तो स्लैब ये वाले सही रहेंगे। लग जाओ। ओके ये अभी बत्तख जैसा लगने लग गया है, ये बत्तख का मुंह लग रहा है, बत्तख की चोंच। ओके, एंड इसके ऊपर लगा दो येलो कारपेट, थोड़ा और अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे एक बैम्बू का ये जो भी है लगा के इसके ऊपर भी लगा दो। भाई मेरे को ऐसी क्यों आ रही है। एंड देन तुम्हें चाहिए होंगे येलो ग्लास पेन एंड नए वाले ट्रैप डोर। एंड इसके यहाँ पे प्यारे प्यारे थोड़े पंख भी बना दो, पंख भी होने चाहिए बत्तख पे, वरना उड़ेगा कैसे ये। नहीं, उड़ के तो नहीं जाना चाहिए वैसे। एंड यहाँ पे ट्रैप डोर लगा दो, हेडफोन्स दे दो इसे प्यारे प्यारे। एंड बन गया एक बत्तख। यो, दिस इज सो फनी। यस, भिक्षु द बत्तख माइनक्राफ्ट में बनाइए जाके। एंड प्लीज मेरे को टैग करना मत भूलिएगा भाई। दिस इज सो क्यूट, क्यूट एंड फनी एट द सेम टाइम। सो या, आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट। हा हा या, बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर। चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।